हेलो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सुचि पोरवाल। आज हम एमवीक्यू के अंदर मिक्स वेज पराठा बनाएंगे। तो हमने मिक्स वेज पराठा बनाने के लिए सब सब्जियां ली हैं। इसमें गाजर है, लौकी है, पटेटो है, शिमला मिर्च है और भी आप कई तरह की सब्जियां इसमें मिक्स कर सकते हो जो आप खाते हो। और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और पानी और लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। तो आज हम हेल्दी पराठे बनाएंगे, क्योंकि हम वैसे तो सारी सब्जियां एक दिन में नहीं खाते हैं, लेकिन आज हम मिक्स करके पराठा बनाएंगे तो हेल्दी पराठा बनेगा। और हमने ये आटा गला के रखा है, तो आटा नॉर्मल आटा है, जैसे आप नॉर्मल रोटी का आटा जो लगाते हो वही आटा है। तो हम सबसे पहले मैंने ये सारी सब्जियां इस चॉपर के अंदर ग्राइंड करके रखी थी। आप चाहो तो आपके पास ये चॉपर ना हो तो पीस भी सकते हो सब सब्जियों में, ताकि वो जल्दी से पक जाए। तो हम सबसे पहले सब्जी का मसाला बनाएंगे। तो हम विदाउट ऑयल, विदाउट घी आज हम बनाएंगे मसाला। तो हमने ये सारी सब्जियां मिक्स कर रखी है जो इसमें हम डालेंगे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे, हल्का सा, एक स्पून के जितना सा बस, और इसको मिक्स कर देंगे। गैस हमेशा मीडियम और लो फ्लेम पे ही हम रखते हैं, तो अभी मैंने मीडियम फ्लेम किया है और इसको हम ढक देंगे। तो ये सब्जियां अपना मॉइस्चर छोड़ेगी, तो हम इसे ढक देंगे और इसी के मॉइस्चर में हम इसे पकने देंगे। कुछ भी नहीं डालना हमें, ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना, तो हम इसे पकने देते हैं। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये हमारी सब्जियां पक चुकी हैं, सॉल्ट पाउडर, हल्दी, नमक, ये सब आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। धनिया पाउडर, तो हम मिक्स करेंगे पूरा अच्छे से। ये बिल्कुल मिक्स हो गया, देखो हमारी वेजिटेबल में। इसको 2 मिनट्स के लिए हम और ढकेंगे और फिर ठंडा होने के बाद हम इसमें पराठे के लिए भरेंगे। इसको 2 मिनट्स के लिए और ढकते हैं। ये हमारा मसाला पक चुका है, अब हम गैस बंद कर देंगे। और हम इसको खाली कर लेंगे अब और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम पराठे बेलेंगे। अब हम मिक्स वेज पराठा बनाएंगे। तो ये सॉटर पैन है, इसके अंदर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पराठा रेडी करेंगे। इस प्रकार से हम पराठे को बेलेंगे। नॉर्मल जब हम भरावन पराठा बनाते वैसे ही हम इस पराठे को बनाएंगे। हम इसको मोटा बनाएंगे रेस्टोरेंट जैसा। इस प्रकार से हम इसे पूरा गोल बेलेंगे। और अब हम इसमें मसाला भरेंगे। ये हमने इसको ऐसे ऐसे पैक किया है पूरा पराठे को। इसको वापस हम बेलेंगे। ये हमारा पराठा बन चुका है, अब हम इसमें इसको छोटे पैन के अंदर डालेंगे और आप गैस ऑन करेंगे। गैस हम मीडियम रखेंगे अभी, ताकि थोड़ा सा पैन गर्म हो जाएगा, फिर हम लो कर देंगे और इसे ढक देंगे।
और बीच में एक बार हम पलटेंगे इसे, तो अभी हमने इसे ढका है। ये हमारा पराठा सिक चुका है, मैंने बीच में एक बार इसको पलट दिया था। अब हम गैस बंद कर देंगे, विदाउट बटर हमारा पराठा रेडी है। ये हमारे पराठे सिक चुके हैं, ये मिक्स वेज पराठे हैं विदाउट बटर विदाउट घी। हमारा मिक्स वेज पराठा रेडी है। अगर आपको हमारे मिक्स वेज पराठे की रेसिपी की वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।